नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता नन्हा उपवन से। दोस्तों आज मैं आपको अपने नन्हे उपवन के नन्हे सदस्यों से मिलवाऊंगी। मैं कुछ प्लांट्स खरीद के ले आई हूँ नर्सरी से और अब ये आपके सामने है। तो मैं ढेर सारे प्लांट लाई हूँ, बहुत दिनों के बाद नर्सरी गई और बस यही मन हो रहा था कि सब उठा के ले आऊँ। तो ये कुछ प्लांट्स मैं ले आई हूँ और सबसे आपको मिलवाऊंगी एक एक करके, देख रहे हैं। और अभी मानसून का सीजन है तो अच्छे से ये सारे लग भी जाएंगे। और इसमें से कुछ मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, ये सामने देख रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। रात में बहुत हैवी रेन भी हुई है, इसकी वजह से ये और भी खूबसूरत और हरे भरे दिख रहे हैं। तो मैं आपको अपने कुछ प्लांट से परिचित कराती हूँ जिन्हें मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये है डिफिन बाकिया, आप पहचान रहे होंगे। ये मेरे पास पहले भी एक था और अभी गर्मियों में वो थोड़ा खराब हो गया तो फिर मैं ये ले आई। तो ये डिफिन बाकिया है। और इसके बाद ये इसका मैं तीन ले आई हूँ, ये मैक्सिकन पिटूनिया है। मैं दिखाती हूँ एक मिनट, एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसका एक और है, ये देखिए, तो ये मैक्सिकन पिटूनिया। दोस्तों इसका तीनों का कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये पिंक है और येलोइश कुछ है और ये पर्पल है। तो और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, अभी इसकी ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी हो रही है पिटूनिया की। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ हिबिस्कस के प्लांट भी ले आई हूँ। इसमें आप ये देख रहे हैं, एक और ये दो और एक और है और एक ये पीछे, ये तीनों है। देखिए ये देखिए लाइट पिंक और एक ये कुछ येलो है और बीच में देखिए इसके ये इसका पेटल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। बीच में भी कुछ पिंकिश है और ये साइड में येलो और एक ये है, ये थोड़ा सा ऑफ रेड है। तो ये तीन हमारे गुड़हल हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, एक ये देखिए, ये क्रोटान है। क्रोटान मेरे पास पहले भी है, तीन चार प्लांट मेरे पास, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इस कलर का नहीं था, इस डिजाइन का, तो मैं ये ले आई। तो ये क्रोटान है और एक क्रोटान और है, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये, तो ये दो क्रोटान है, आप देखिए दोनों का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्रोटान के अलावा एक जोरा के भी प्लांट में ले आई हूँ। एक जोरा मेरा जो था वो सूख गया था दोस्तों, तो मैं ये दूसरा एक जोरा ले आई हूँ। एक ये है और एक ये दोनों एक जोरा प्लांट है। उनका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं ले आई हूँ उसको। और दोस्तों एक ये और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये चांदनी का प्लांट है। ये भी जब खूब ज्यादा भर जाएगा तो इसकी ब्लूमिंग देखते बनेगी, बहुत अच्छा पूरा गमला भर जाता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये एक चांदनी का प्लांट ले आई हूं मैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये है रबर प्लांट, ये मेरे पास नहीं था दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार इसको ले आई हूँ। काफी खूबसूरत है ये इंडोर प्लांट, परमानेंट। तो इसके अलावा एक और है, ये एरिका पाम है। एरिका पाम मेरे पास पहले भी था, आप देख चुके हैं। और एक ये और मैं ले आई हूँ दोस्तों, मुझे पाम ट्री बहुत पसंद है, चाहे चाइनीज पाम हो एरिका पाम हो, सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये एरिका पाम है। इसके अलावा ये बोस्टन फर्न मेरे पास पहले से भी, आप देख चुके हैं मेरे पिछली वीडियोस में, ये फर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास दोस्तों फॉक्सटेल फर्न नहीं है, मैं लेने के लिए वही गई थी लेकिन वो नहीं मिला नर्सरी में, तो मैं इसे ले आई। तो ये फर्न भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा
ये जो है ये एक चाइनीज प्लूमेरिया, इसको कहेंगे चाइनीज प्लूमेरिया तो नहीं है, लेकिन ये चाइनीज वेराइटी का प्लूमेरिया ही है। नर्सरी वाला तो यही बोला, तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि प्लूमेरिया मुझे नहीं मिला। और इसके अलावा ये दोस्तों देख रहे हैं कि ये कनेर है ओलियंडर, और ये रेड कनेर है। ये कनेर मुझे बहुत पसंद है, ये मैं ले आई थी पहले भी, लेकिन गर्मियों में ये सूख गया तो मैं दूसरा कनेर ले आई हूँ। तो ये कनेर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे ये गंधराज है, ये देखिए ये गंधराज, ये भी काफी अच्छा ग्रो किया हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस समय ब्लूमिंग का टाइम भी इसके है, इसलिए मैं एक गंधराज ले आई। और एक ये है, शायद इसे स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, ये भी मेरे पास पहले से है। और एक ये मैं पहले कहीं देख करके ये दूसरा ले आई। और दोस्तों दो मैं ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, एक ये है और एक इसी का पर्पल है, ये तो ये दो है स्वीट पोटैटो वाइन, इसको मैं ले आई। तो कैसी लगी मेरी खरीदारी दोस्तों? मैं तो बहुत खुश हूँ। और आज मेरे पक्के 2 घंटे लगने वाले हैं इसमें, 2 घंटा कम से कम मुझे लगेगा। सबकी पॉटिंग करनी है, सबको गमले में लगाना है, तो ये काम मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे क्या, मुझे पूरा दिन भी अगर अपनी बागवानी में रहना पड़े तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे सारे प्लांट हैं, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो बस यही आपसे कहना था, मानसून का तो यही मज़ा है गार्डेनर्स के लिए। दोस्तों अगर मेरी खरीदारी और मेरे प्लांट्स आपको अच्छे लगे हों तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, बाय।